फ्रेंड्स, वेलकम टू नेचुरल पूजा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे। आप लोगों ने मुझे बोला है कि मैम समर सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आप समर सीजन के लिए कोई अच्छा सा इफेक्टिव होममेड फेशियल करना बताइए। आप जो होममेड फेशियल करना बताते हो या कोई भी फेस पैक बताते हो, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। आप लोगों ने मुझे बोला है कि मैम हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, और बहुत सारे लोग मतलब मुझसे ये भी कमेंट करते हैं कि मैम मैं जॉब करती हूँ और बाहर रहती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं ज्यादा टाइम अपने लिए दे पाऊँ। तो प्लीज आप कुछ ऐसा बताइए कि 10 या 15 मिनट के अंदर ही हमारा फेशियल भी हो जाए और हमारे चेहरे पर अच्छा सा निखार आए। तो देखिए, आज मैं आप लोगों के कहने पर आज आपको बताऊंगी सिर्फ आपको कितना टाइम देना है, 10 से 15 मिनट ही अपने लिए देने हैं, और आप देखोगे आपका फेशियल भी हो जाएगा और आपके चेहरे पर उतना ही निखार आएगा जितना कि आप पार्लर में जाके फेशियल कराते हो, और पार्लर के फेशियल से आपके चेहरे पर निखार आता है, उतना ही निखार आपको इस होममेड फेशियल से आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया है कि मैम जब से मैं आपके चैनल पे आई हूँ, तो मतलब पहले मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी चमक नहीं थी, मेरा चेहरा बिल्कुल भी ग्लो नहीं करता था, और जो मेरी स्किन थी ना एकदम रूखी सूखी थी, और जब से मैं आपके चैनल पे आई हूँ मैंने आपके होममेड जो ये रेमेडी होती है इनको मैंने ट्राई किया है, तब से मेरे चेहरे की जो चमक है ना दोगुनी हो गई है, और मैं अपने चेहरे को लेकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो देखिए, ये सुन के मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होती है। मुझे खुशी इसलिए होती है क्योंकि ये सब मैं ब्यूटी टिप्स डालती हूँ, आप लोगों के लिए डालती हूँ, और मैं दिल से काम करती हूँ और ये सोच के करती हूँ कि इनका रिजल्ट जितना मुझे मिलता है, और मैं चाहती हूँ 101% इनका रिजल्ट आपको भी मिले। तो चलिए देखते हैं कि होममेड फेशियल बनाने के लिए आपको क्या क्या लेना है और इसे किस तरीके से अपने चेहरे पे करना है। तो देखिए, इस पैक को बनाने के लिए क्या क्या लिया है। मैंने लिए यहाँ पे दही, कॉफ़ी पाउडर, आधा टमाटर, आधा नींबू, और मैंने लिए शुगर पाउडर मतलब चीनी को पीस के रखा हुआ है, हनी और आलमंड ऑयल यानी कि बादाम का तेल। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस पैक को आपको किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 चम्मच लेनी है आपको कॉफ़ी पाउडर, और आप कोई भी कॉफ़ी पाउडर ले सकते हो। 1 चम्मच ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही, और आप कोशिश करें जो आपके घर की दही हो आप उसी का यूज करें, क्योंकि जो दही के घर की दही होती है उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होता है। अब मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर। अब देखिए, टमाटर और नींबू में से जो भी आपकी स्किन को सूट करे आप वही उसी का जूस मतलब इसके अंदर डालें, और अगर आपकी स्किन को दोनों ही सूट करते हैं तो आप दोनों का ही जूस निकाल के इसके अंदर डाल सकती हो। अब 1 चम्मच या 1/2 चम्मच के करीबन मैं इसमें डाल दूँगी हनी, और इन सबको करना है अच्छे से मिक्स, और मिक्सिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आप इन्हें अच्छे से मिक्स करोगे ना तभी ये अच्छे से आपकी स्किन पर वर्क करेगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया और जो हमारा पैक है वो हो गया बनके तैयार। ठीक है, ये तो हो गया हमारा जो मुझे इससे मसाज करनी है और पैक की तरह अपने चेहरे पे लगाना है। अब आपको क्या करना है, जो आधा टमाटर था इसके अंदर आपको डालना है शुगर पाउडर। तो देखिए, मतलब मैंने चीनी को पीस के रखा हुआ है, तो और आपके पास नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हो, चीनी को लेके उसे पीस के रख लें। ये मेरा बनके हो गया स्क्रब, तो इससे हमें करना है स्क्रब। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन दोनों को आपको अपने चेहरे पे किस तरीके से अप्लाई करना है। तो देखिए, सबसे पहला स्टेप आपका होना चाहिए, जब आप स्क्रब करते हो तो उससे पहले आप अपने चेहरे पर कुछ लगा लें, जैसे कि कोई क्रीम लगा सकते हो, कोई भी ऑयल लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है आलमंड ऑयल, और ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आलमंड ऑयल मेरी स्किन पर काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इसकी जगह आप कोई क्रीम भी ले सकते हो, जो आप क्रीम यूज़ करते हो अपने चेहरे पर लगाते हो, या फिर कोई और ऑयल ले सकते हो जैसे कि कोकोनट ऑयल या फिर वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो इनमें से कुछ भी ले सकते हो। और अगर आपकी स्किन पर ये आलमंड ऑयल सूट करता है तो आप ये भी ले सकते हो, या फिर एलोवेरा जेल भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसे लेके अपने पूरे चेहरे पे कम से कम 1 मिनट के लिए हल्के हाथों से अच्छे से मसाज करनी है। इससे क्या होगा, जब आप स्क्रब करोगे ना तब आपकी जो स्किन है वो ड्राई नहीं होगी और आपकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट बनी रहेगी। अगर आप लोगों की ऑयली स्किन है तब आपको यह स्टेप फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब जो मैं ऑयल लगा रही हूँ ना आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, तब आप अपने चेहरे पर थोड़ा सा दही लेके और दही से 1 मिनट के लिए मसाज करें। तो देखिए, अब मेरी मसाज हो गई। अब मैंने लिया है टमाटर जिसके ऊपर मैंने शुगर पाउडर डाल दिया था, मतलब पिसी हुई चीनी को डाल दिया था ना, तो इसे लेके मैं अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से स्क्रब करूँगी। अब ये हो रहा है मेरा स्क्रब एकदम नेचुरल तरीके से, जिससे क्या होगा मेरी स्किन पर कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगर आपकी स्किन पर इस टमाटर की जगह
वो क्या कहते हैं नींबू सूट करता है, तो आप क्या करें जो आधा नींबू था उसके ऊपर आप शुगर पाउडर डाल के, और जैसे मैं टमाटर से अपने चेहरे की मसाज कर रही हूँ आपको इसी तरीके से नींबू से करनी है, ठीक है। तो दोनों में से जो भी करें आप इस तरीके से कर सकते हो। अब आपको स्क्रब के लिए कितना टाइम देना है, तो देखिए स्क्रब 2 मिनट काफ़ी होता है, तो 2 मिनट या फिर टाइम नहीं है आपके पास तो आप 1 मिनट भी कर सकते हो। तो मैं 2 मिनट के लिए इसी तरीके से हल्के हाथों से अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से स्क्रब करूँगी। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका स्क्रब पहले से ही हो रखा है, कि आपने एक दिन पहले किया या फिर आज ही किया है, तो आपको स्क्रब करना ज़रूरी है कि नहीं, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो आप स्क्रब को स्किप कर दें, इसे छोड़ दें, फिर आप जो मैं इससे अगला स्टेप करूँगी आप उसी स्टेप को फॉलो करें। तो 1 मिनट के लिए मैं कर लेती हूँ स्क्रब। तो देखिए मेरा स्क्रब हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको बताती हूँ इसका अगला स्टेप। तो अब मैंने यहाँ पे लिया है फेस पैक जो मैंने अभी बना के रखा हुआ था। अब आपको क्या करना है, इसे लेके अपने पूरे चेहरे पे एक मोटी सी परत बना के और आपको छोड़ देनी है। और आपको इस फेस पैक को कितनी देर के लिए छोड़ना है, आपको छोड़ना है सिर्फ 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट तक अगर ये ड्राई होता है तब भी ठीक है, और नहीं होता तब भी ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए ही इसे अपने चेहरे पे लगा के छोड़ देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे लगाने के आपको क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। तो देखिए अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तब तो जैसे मैं सारे स्टेप फॉलो कर रही हूँ आपको इसी तरीके से करने हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप जो मैंने सबसे पहले आलमंड ऑयल से अपने चेहरे की मसाज की थी तो उसकी जगह आप कर्ड से मसाज करें। और अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसमें रोज़ वाटर ज़रूर ऐड करें। तो रोज़ वाटर से क्या होगा, आपको कोई भी किसी भी प्रकार की एलर्जी नहीं होगी, लेकिन आप ये ज़रूर चेक कर लें कि ये सब कुछ आपकी स्किन को सूट करता है कि नहीं करता। तो देखिए मेरा पैक लग के हो गया कंप्लीट। अब मैं इसे छोड़ देती हूँ 10 मिनट के लिए और मिलती हूँ आपसे 10 मिनट के बाद। तो देखिए अब हो गए मुझे पूरे 10 मिनट, तो मेरा अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, तो देखिए अभी जो आधा टमाटर बचा हुआ था मेरा, तो मैंने वो कट करके एक साइड में रखा हुआ था, तो आपको टमाटर लेना है। अगर आपकी स्किन को नींबू सूट करता है तो आप नींबू ले सकते हो, दोनों में से कुछ भी ले सकते हो। तो अब आपको इसी से टमाटर से मतलब अपने पूरे चेहरे की अच्छे से मसाज करते हुए आपको इस पैक को निकालना है। और ये देखिए मेरा चेहरा, तो इस तरीके से आप करें तो देखिए टमाटर लगाने की भी स्किन पर बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। और यकीन मानना आप लोग, मैं टमाटर को लगाती हूँ ना तो मेरे चेहरे पे अगर कभी कभी होता है ना किसी चीज़ से हमें एलर्जी होती है तो दाने निकलने लगते हैं, तो मैं क्या करती हूँ टमाटर को कट करके अपने चेहरे पर अच्छे से मसाज करके और 1 घंटे के लिए आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, तो इसी से मेरे काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं। और अगर मैं इसे कंटिन्यू 3-4 दिन कर लेती हूँ ना तो मेरे चेहरे के सारे जितने भी दाग धब्बे होते हैं और जैसे कि पिंपल वगैरह होते हैं निकलने लगते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाते हैं। तो मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है, आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करना अगर आपकी स्किन को सूट करता है। तो इस टमाटर से लेके मैं अपने पूरे चेहरे की अच्छे से मसाज करूँगी। और देखिए मेरी मसाज है। अब आपको ये मसाज के लिए कितना टाइम देना है, तो मसाज के लिए आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 मिनट दे सकते हो, तो इतना ही काफ़ी है। तो इस तरीके से आप मसाज करें तो आपका जो पैक है वो भी निकल जाएगा और आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छे से चमक भी आएगी। और इस मतलब जो मैंने स्टेप बताए ये अगर स्क्रब का और ये पैक का, तो इनको आप कितने दिन में करें, तो देखिए अगर आपको सारे स्टेप करने हैं तब आप इसे हफ्ते में 3 दिन कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगे कि इसे फेस पैक को आप डेली पैक की तरह लगा सकते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन आपको ड्राई नहीं करना है। मतलब डेली अगर लगाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 5-7 मिनट के लिए अपने चेहरे लगा के छोड़ दें और उसके बाद अपने चेहरे को धो लें। मतलब इसको आपको सुखाना नहीं है, बस इस चीज़ का आप ध्यान रखें। बस इतना ज़रूर चेक कर लेना कि ये सब कुछ आपकी स्किन को सूट करता है कि नहीं करता, और करता है तो आप इसे इसी तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ कर सकते हो, नहीं करता तो फिर आप ना करें, क्योंकि फिर इससे क्या होता है आप जानती हो कि पिंपल वगैरह आपको दाने वगैरह निकल सकते हैं। तो देखिए अब हो गए मुझे 5 से 6 मिनट, तो इसी तरीके से मैंने मसाज की थी और अब मैं अपने चेहरे को अच्छे से धो के आती हूँ। तो मैं चली अपने चेहरे को वॉश करने के लिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। मैंने अपने चेहरे को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब एक टॉवल की सहायता से मैं अपने पूरे चेहरे को अच्छे से ड्राई कर लेती हूँ। और अपने चेहरे को वॉश करने के लिए मैंने हल्का गुनगुना पानी लिया था। आप हल्का गुनगुना पानी भी ले सकते हो, या जो बोलते हैं ना एकदम ताज़ा पानी जो होता है, और आप वो भी ले सकते हो। मतलब आपको बहुत तेज़ गर्म पानी और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी नहीं लेना है।
अब मैं आपको बताती हूँ इसका अगला स्टेप। तो देखिए ये जो मैंने वीडियो बनाया था मैंने दिन में बनाया था और अभी मुझे निकलना था बाहर, तो इसलिए मैंने लगाई है अपने चेहरे पर सनस्क्रीन और मैंने लिए लैक्मे की, क्योंकि ये मेरी स्किन को सूट करती है और इससे मेरी स्किन पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आप इस पैक को दिन में लगाते हो और आपको भी बाहर निकलना हो तो आप सनस्क्रीन लगा सकते हो इसकी जगह कोई भी जो भी आपके पास है और जो आपकी स्किन पर अच्छा काम करती है, और मुझे बाहर निकलना था तो इसलिए मैंने ये लगाई है। या फिर आपको बाहर नहीं निकलना, आप घर में हो, अगर आपकी स्किन को एलोवेरा सूट करता है तो आप एलोवेरा लगा सकते हो। अगर आपकी अगर मतलब आपके पास कोई भी क्रीम है या डे क्रीम है, नाइट में लगा रहे हो तो नाइट क्रीम है वो लगा सकते हो, मतलब कुछ भी लेके लगा सकते हो। और अगर आपके पास कोई भी ऑयल है जैसे कि आलमंड ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल, तो इनमें से ऑलिव ऑयल, इनमें से लेके और अपने पूरे चेहरे की अच्छे से मसाज करके छोड़ दें। या फिर आप नाइट क्रीम भी लगा सकते हो, मतलब इसके बाद ऐसा नहीं है कि आपको पैक लगाने के बाद अपनी स्किन को इसी तरीके से छोड़ देना है, आपको ऐसा नहीं छोड़ना है। अच्छे से ऑयल से या फिर किसी भी चीज़ से मालिश करके अपने चेहरे को छोड़ दें। तो मैंने लिए सनस्क्रीन लगा के अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से मालिश करके छोड़ दी, क्योंकि अभी निकलना है मुझे आधे घंटे के बाद बाहर, तो इसलिए मैंने नाइट क्रीम लगाई थी। तो मेरा जो फेशियल था हो गया रेडी। तो बताइए मैंने कितना आसान तरीका आप लोगों को बताया है कि आप कितने आसान तरीके से अपने घर पर और अपने खुद का फेशियल कर सकते हो। और इसमें मैंने जो भी यूज किया है एकदम नेचुरल है, उससे आपकी स्किन को कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है इनमें से जो भी आपकी स्किन को सूट करता है आपको वही लेना है, नहीं करता तो आप इसे छोड़ दें, आप इसे ट्राई नहीं करें। अगर आप ऐसा करोगे कि आपकी स्किन को जो सूट नहीं करता उसको आप अपने चेहरे पर लगाओगे तो उससे क्या होगा, आपको पिंपल निकल सकते हैं, आपको रेडनेस हो सकती है चेहरे पर, या फिर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी एलर्जी हो सकती है। तो फिर आप ये मत बोलना कि आपका ये वाला फेशियल करने से मेरे चेहरे पर दाने निकल गए। तो दाने तब निकलते हैं जो स्किन को सूट नहीं करता उसको हम अपने चेहरे पर लगा लेते हैं। कभी कभी मुझे भी निकल जाते हैं, वो मुझे इसलिए निकलते हैं कि मेरी स्किन को सूट नहीं करता, मैं वही चीज अपने चेहरे पर लगा लेती हूँ तो उसकी वजह से मुझे भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, साइड में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर क्लिक करना जिससे मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप देख पाओ। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। आप सब लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नेचुरल पूजा, फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग फॉलो कर लो और वहां पर भी मैं अपनी पिक वगैरह डालती रहती हूँ। ऐसी वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।